हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। माय नेम इज धर्मेंद्र मोजिद्रा। दोस्तों, आज तक के बहुत सारे ओपनिंग्स आपने सीख ली है। वर्ल्ड फेमस ओपनिंग सिसिलियन डिफेंस, जिसके बारे में सभी लोग को पता होगा। अगर किसी को पता नहीं है लेकिन नाम तो सुना ही होगा, सिसिलियन डिफेंस फॉर ब्लैक। दोस्तों, ब्लैक की ओर से सिसिलियन डिफेंस काफी अच्छी मानी जाती है। उसे अलग अलग वेरिएशन में कैसे क्रैक किया जाए, ये मैं आज से आपको बताऊंगा। वन बाय वन वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सीरीज ऑफ सिसिलियन डिफेंस आप ये नोट कर लीजिए कि हाउ टू प्ले अगेंस्ट ड्रैगन वेरिएशन। सिसिलियन में बहुत सारे वेरिएशन है दोस्तों, तो मैं सोच रहा हूँ आज से आपके लिए सिसिलियन अगेंस्ट सभी वेरिएशन के बारे में जबरदस्त अटैकिंग ओपनिंग बनाना। व्हाइट से बहुत सारे लोगों को सिसिलियन के सामने खेलने में दिक्कत होती है। सभी लोग मेन लाइन खेलते हैं और मेन लाइन में जैसे कि सिसिलियन में e4, c5, nf3, d6 और d4, ये सारी मेन लाइन है। इसे नेसडॉर्फ वेरिएशन कहते हैं। तो आज हम देखेंगे दोस्तों सबसे पहला सिसिलियन ड्रैगन वेरिएशन। ड्रैगन के सामने व्हाइट से कैसे रिप्लाई देना है, मैं आपको एक यूनिक मूव बताऊंगा। बहुत मेहनत करने के बाद मैंने ये ओपनिंग बनाई है, इसीलिए ध्यान से देखिए, इसे लर्न कीजिए और 100% आपको इसके प्रॉफिट मिलेगा गेम। तो चलिए शुरू करते सिसिलियन डिफेंस ड्रैगन वेरिएशन। सी क्रॉस डी पर यहां पे ब्लैक को ये पॉन लेना ही होता है और यहां व्हाइट से हमें नाइट क्रॉस डी फोर करना है। नाइट एफ सिक्स इस पोजीशन में ई फोर पॉन पे पहले नाइट अटैक करता है और व्हाइट से हमें नाइट से डिफेंस करना है। सॉरी, यहां पे ड्रैगन खेलने के लिए ब्लैक जी सिक्स करेगा। जी सिक्स, अब देखो आइडिया क्या है, बिशप टू g7 एंड देन व्हाइट वांट टू कैसल। तो ये ब्लैक का प्लान है। यहां पे इनिशियल आपको तुरंत अटैक करना है, तो तुरंत अटैक करने के लिए सबसे बेस्ट रिप्लाई है इस पोजीशन में f4 और नॉर्मली यहां पे बिशप g7 इसी मूव में नहीं खेला जाता। अब मान लो कि किसी ने यही मूव में बिशप g7 खेल लिया, तो यहां आपको रिप्लाई देना है e5। अब देखो यहां पे d takes e5, एक्रॉस e5। चलिए यहां पे दोस्तों कितने मूव्स है, तीन मूव है ब्लैक के पास, क्योंकि पॉन से नाइट पे अटैक है। एकदम इजी ओपनिंग है आपके लिए, बहुत ही इजी। व्हाइट से खेलने में बहुत मजा आएगा, इतने मूव्स तो आप तैयार कर ही सकते हो। यहां पे नाइट d7 एक वेरिएशन ले लेते हैं, नाइट d7। दूसरा वेरिएशन जो है नाइट d5, एक्सचेंज ऑफर हमारे नाइट से एक्सचेंज। थर्ड वेरिएशन है नाइट g4। ये तीन पॉसिबल मूव है दोस्तों। नाइट g4 तुरंत ब्लंडर होगा, तुरंत अगर नाइट g4 खेला तो यहां से व्हाइट टू ब्लाइंड विन। जैसे कि आप मान लो कि कोई पजल कर रहे, लाइक बिशप b5 चेक देना है इधर। अब देखो किंग f8 फोर्स मूव है, यहां पे लाइक नाइट c6 अगर किया तो सिंपल व्हाइट विन है। नाइट टेक्स नाइट, पॉन टेक्स नाइट, देन बिशप टेक्स पॉन चेक और आपको ये रुक मिल रहा है। ओके, नाइट c6 अलाउ नहीं है, नाइट d7 भी अलाउ नहीं है क्योंकि सिंपल क्वीन टेक्स g5 हो रहा है और बिशप d7 भी अलाउ नहीं है क्योंकि यहां भी आप क्वीन टेक्स g5 सिंपल पीस प्लस हो। तो दोस्तों ये नाइट g4 बहुत ही ब्लंडर है, इसका फायदा आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, नाइट d7।
ओके, नाइट डी सेवन में यहां आपके पास एक बेस्ट मूव है ई सिक्स। ई सिक्स में जैसे कि पॉन टेक्स पॉन तो पॉसिबल नहीं है, पॉन टेक्स पॉन अगर किया तो सिंपल नाइट टेक्स पॉन फोर्क में आपको बिशप मिल जाएगा, तो पॉन टेक्स पॉन पॉसिबल नहीं है और नाइट को बचाना भी जरूरी है। तो यहां पे ब्लैक के पास एक ही बेस्ट रिप्लाई है, वापस से नाइट एफ सिक्स। तो नाइट एफ सिक्स के बाद आपको खेलना है ई एफ सेवन चेक, किंग क्रॉस एफ सेवन, बिशप सी फोर चेक। अब देखो यहां पे अगर ब्लैक ने किंग एफ एट किया तो सिंपल नाइट चेक से आपको डिस्कवर में क्वीन मिल गई, तो अच्छा रिप्लाई क्या होगा ब्लैक के लिए, ई सिक्स। ई सिक्स में सिंपल आपको कर देना है कैसल और डायरेक्ट अटैक ऑन एफ सिक्स। रूक ई एट वाइट खेलेगा ब्लैक, और उसके बाद एक और भी बेस्ट मूव है बिशप जी फाइव पिनिंग दिस नाइट। ब्लैक ट्राई करेगा आर्टिफिशियल कैसल का किंग जी एट, और यहां व्हाइट नाइट ई फोर खेलने के बाद ब्लैक के सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये नाइट पिन भी है, उसके ऊपर नाइट बिशप और रुक तीनों का अटैक है। सिंपल यहां पे अगर नाइट टेक्स नाइट किया तो आपको क्वीन मिलती है, और अगर रुक से सपोर्ट किया आर एफ एट तो यहां पे आपको नाइट टेक्स ई सिक्स फोर्क देखे और भी गेम मजेदार हो जाएगी। तो ये दोस्तों नाइट डी सेवन वाला वेरिएशन था। यहां से जब आप पॉन से अटैक करते हो तो नाइट डी सेवन, अब तीसरा ऑप्शन जो है नाइट डी फाइव। ओके, नाइट डी फाइव में भी आपको बीबी फाइव चेक देना है। यहां भी किंग एफ एट ओनली मूव है, किंग एफ एट, और यहां आपको कर देना है कैसल। ब्लैक खेलेगा ई सिक्स और उसके बाद क्वीन एफ थ्री, फिर से चेकमेट की थ्रेट। क्वीन सी सेवन एक ही अच्छा मूव है, बिशप टू जी फाइव एक और ब्रिलियंट मूव, और अगर ब्लैक ने यहां नाइट सी सिक्स कर दिया तो समझो कि यहां पे सिंपल आप तुरंत गेम जीतते हो। कैसे जीतते हो, बिशप टेक्स नाइट, बी टेक्स सी सिक्स, देन बिशप डी सेवन। यहां पे एक और भी मूव है, बिशप के बदले आप नाइट टेक्स नाइट कर लो, बी टेक्स सी सिक्स, देन बिशप डी ए सैक्रिफाइस। अगर क्वीन से बिशप लेता है तो क्वीन चेकमेट, और क्वीन को बचाने के लिए जैसे कि बी सेवन या इधर गया, दोनों ऑप्शन में बिशप सैक्रिफाइस अगेन। तो दोस्तों ये थी हाउ टू प्ले अगेंस्ट सिसिलियन ड्रैगन वेरिएशन, ट्राई कीजिए बहुत मजा आएगा आपको। इसके बाद सिसिलियन के सभी वेरिएशन में वन बाय वन आपको वेरिएशन ओपनिंग मिलती रहेगी, इसीलिए एक भी वीडियो मिस मत करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, बेल आइकॉन प्रेस करके रखे, हर दो तीन दिन में मेरा एक वीडियो अपलोड हो ही जाता है। उसके लिए मुझे दो दिन चाहिए हर बार कोई अच्छी सी ओपनिंग बनाने के लिए, मुझे खुद को भी स्टडी करना होता है, उस पर मैं एक दो गेम खेल लेता हूं, बाद में आपको ये ओपनिंग सजेस्ट करता हूं। चलिए अभी देखते हैं दोस्तों लाइव गेम, हर बार की तरह लाइव गेम खेल के देख लेते हैं। E4 D5 डिक्लाइन वेरिएशन 8-0 की गेम है, 16 मिनट चलने वाली है, आपको लास्ट तक बैठना है दोस्तों, बहुत मजा आएगा इसमें। ये डिक्लाइन वेरिएशन स्कैंडिनेवियन हम खेले हैं, लेकिन व्हाइट ने डिक्लाइन कर दिया और पॉन एक्सचेंज नहीं किया, मतलब यहाँ पे जो मेन मूव है बिशप C4 के बदले नाइट इधर, ये पॉन पे हम अटैक बढ़ा रहे, व्हाइट उसे सपोर्ट बढ़ाएगा, और यहाँ पे बेस्ट रिप्लाई होगा बिशप F5, तो क्वीन यहाँ पे हो सकता है डबल अटैक करेगी, यहाँ से बिशप आउट करना अच्छी नहीं है, तो हम E6 सिंपल कर लेंगे, डिफेंस क्यों खेलेंगे, थोड़ा बाद में अटैक कर लेंगे।
ओके डी थ्री, नाइट डी सेवन। इस लाइन में दोस्तों नाइट को बिशप से पहले बाहर निकाल लेना है, क्योंकि बिशप की जगह ई सेवन पे, ठीक है। ओके नाइट आइडिया बिहाइंड दिस मूव, नाइट जी फाइव। तो यहाँ पे हम नाइट खेल सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट पॉन कॉन्टेक्स्ट पॉन। ओके नाइट से इस बिशप को ब्लॉक कर दो ताकि ये नाइट इधर आके कुछ कर नहीं पाएगा। और अब हम इस जैसे कि वेटिंग मूव भी कर सकते हैं, लेकिन पॉन को उसमें क्या होगा यहाँ पे ए सिक्स या फिर लॉन्ग कैसल का अगर प्लानिंग करना है तो बिशप ई सेवन, क्वीन सी सेवन, बी डी सेवन और ये सब खेलना पड़ेगा। और शॉर्ट कैसल के लिए बिशप ई सेवन, शॉर्ट कैसल, और यहाँ पे व्हाइट का तुरंत अटैक आ जाएगा क्योंकि एफ सिक्स पे नाइट नहीं है हमारा। तो मेरा आइडिया है क्वीन सी सेवन यहाँ पे बेटर है, लेकिन क्वीन सी सेवन में क्या प्रॉब्लम है, बिशप टेक्स नाइट हो जाएगा, पॉन स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो चलिए इस कैसलिंग की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ए फाइव स्टॉप कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट बी सिक्स कैसा रहेगा दोस्तों, नाइट बी सिक्स, ओके नाइट बी सिक्स इज गुड। डिफेंसिव खेलना पड़ेगा क्योंकि लाइन के बाहर है, स्कैंडिनेवियन डिक्लाइन में मुझे भी परेशानी तो होती ही है। पॉन्टेक्स पॉन्टेक्स और ये पॉन्पुस, ओके इस बिशप को यहाँ से कैसे भी करके भगाते हैं। बिशप ए सेवन नहीं खेलेगा क्योंकि पॉन मर रहा है, पहले इसे एक पॉन को एक्सचेंज कर लेते हैं। नाइट टेक्स पॉन पता था मुझे चलिए इस नाइट को भी सेंटर में एक्सचेंज के लिए रखते हैं। इसके बाद ओके नाइट, ये एक्सरे अटैक है, एक्सरे अटैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट इधर लाएंगे, नाइट हटाएगा तो नाइट टेक स्ट्रॉन्ग बिशप ले लेंगे, दो दो बिशप से हमें तकलीफ तो होगी। चलिए इस बिशप पे अटैक, और यहाँ भी हम अटैक कर रहे हैं पॉन पे भी। नाइट टेक्स पॉन, बिशप टेक्स, क्वीन टेक्स, और अच्छा नाइट टेक्स, बिशप टेक्स, क्वीन टेक्स, और वो अगर नाइट हटाता है यहाँ पे हमें एक पॉन तो मिल रहा है दोस्तों, डिस्कवर में कुछ हमारा लॉस नहीं हो रहा है। ओके ये भी थ्रेट है, यहाँ कोई चेकमेट होने वाला नहीं है, सिंपल नाइट बी फोर वापस आ जाते हैं, क्वीन पे फिर से थ्रेट देते। जरूरी नहीं कि आप कैसल करके ही सेफ हो गेम में, बस आपका अटैक कंटिन्यू रहना चाहिए। पॉन प्लस होने के बाद नाइट को वापस ले लेते या नाइट फॉर्क देते हैं, ये कैसा रहेगा। अब फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा है, बिशप और रुक, चलिए एक पीस एक्सचेंज हो रहा है हमारा, जो वैसे भी आउट ऑफ प्ले था। डिक्लाइन जब गेम कोई खेलता है दोस्तों स्कैंडिनेवियन में डिक्लाइन में, तो बस आपको सोच समझ के अपने तरीके से उसे डेवलप करना है और कुछ नहीं करना। हालांकि कैसलिंग कई बार नहीं कर सकते जैसे मैंने नहीं किया है, लेकिन गेम पे आपका कंट्रोल होना जरूरी है। जैसे कि रुक बचाना तो श्योर है, तो रुक के एक ही ऑप्शन है, रुक ए थ्री। रुक ए थ्री में हम नाइट टेक्स बिशप मार देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। रेटिंग वाइज देख लेते हैं, अपोनेंट का रेटिंग 2046 है, हमसे काफी कम है। मैंने बताया था ना रेटिंग का थोड़ा तो असर रहता ही है दोस्तों, देखा
यहाँ पे हमें ये एक तो पीस एक्सचेंज मतलब स्ट्रॉन्ग पीस मिल गया। वैसे भी हम पॉन प्लस है तो गेम को हम जितना हो सके सिंप्लीफाई करेंगे। नाइट इधर, नाइट टेक्स पॉन। ओके, नाइट को एक्सचेंज करेंगे। कोई भी पीस आउट ऑफ प्ले नहीं होना चाहिए। ओके, ये यहाँ पे हम सिंप्लीफाई नाइट टेक्स नाइट कर ही देते हैं और क्वीन को भी सिंपल कर देते हैं। डिस्कवर का कोई प्रॉब्लम ही ना खड़ा हो जाए। वैसे तो सिंपल चेक के साथ हो जाता है। ओके, यहाँ पे फोर्स एक्सचेंज ले लेते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। क्वीन टेक्स पॉन टेक्स देन रूक इधर आता है तो इस पॉन को बचाने के लिए नहीं हम खेल सकते। तो पहले तो हम क्वीन एक्सचेंज कर लेंगे और बिशप यहाँ आया है और ये हमारे पॉन को मूव करने से रोक रहा है। तो रुक B8 क्योंकि डार्क स्क्वायर बिशप है ही नहीं, कोई तो प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद हम बिशप D7 भी कर सकते हैं। वाइट खेलेगा नाइट आई थिंक। ओके, रुक खेल दिया उसने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिशप हम कर सकते हैं इस पॉन पे थ्रेट। ओके, नाइट इधर, नाइट फोर्क की थ्रेट है। नाइट चेक में मार लेंगे सिंपल। रुक टेक्स बिशप भी हो रहा है और यहाँ पे नाइट बिशप टेक्स पॉन। रुक पे अटैक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है दोस्तों। गेम आगे बढ़ती है, सिंप्लीफाई होता जा रहा है, हमारे लिए एकदम ईजी होती है। दो पॉन अप हो गए सिंपल, कोई भी कंपेंसेशन नहीं मिला है। नाइट मूव करता है तो रुक मर रहा है। ये भी क्यों उसने ब्लंडर किया है शायद। और रुक बिशप सैक्रिफाइस कर देना, रुक टेक्स और चेक नहीं आ रहा है और नाइट चेक भी नहीं है तो सिंपल बिशप टेक्स सॉरी रुक मार देते। कुछ नहीं है दोस्तों गेम में। ओके, यहाँ पे नाइट फोर्क है, रुक पे अटैक है। रुक हटाएंगे तो नाइट चेक और रुक यहाँ पे लाते हैं। बिशप टेक्स फोर में रुक टेक्स नाइट। ओके, रुक टेक्स नाइट में आइडिया है पिन करके हमारे रुक को लेने का प्लान। तो नो प्रॉब्लम, पहले बिशप अटैक। 1-2-3 vs 4 पीस मस्त दोस्तों। हम क्लियर कट रुक प्लस हो गए, चेक भी नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेम एकदम इजी विनिंग देख सकते हो आप। ऐसी गेम अगर हम हार गए तो फिर हमें चेस नहीं आता है। रिजाइन आई एम श्योर। तो दोस्तों कैसी लगी गेम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और भी सारे सिसिलियन के वेरिएशन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।